नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डायबिटीज़ फूड ज्ञान। आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ वो ये है, क्या डायबिटिक पेशेंट शहद यानी हनी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आज इस चीज़ पे हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। जब भी हमें डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर एक ही चीज़ कहता है कि आप जो मीठी चीज़ है यानी शक्कर है वो आप नहीं खा सकते, लेकिन आप हनी यानी शहद ज़रूर ले सकते हैं। तो आज मैं इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, शक्कर में और शहद में दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, जो शहद है मोस्ट लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो शहद है वो नींबू पानी में या दूध में या चाय में यूज़ करते हैं। शहद का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 58 रहता है, यानी वो मीडियम रेंज में है। और अगर हम एक चम्मच लेते हैं तो एक चम्मच शहद में हमें 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर इसका हम लोग ग्लाइसेमिक लोड निकालने जाएं, ठीक है, यानी 58 इंटू 17 डिवाइड बाई 100, तो ये कुछ 9.8 के आसपास ग्लाइसेमिक लोड हमारा बनता है अगर हम एक चम्मच लेते हैं, ठीक है। अगर हम शक्कर की बात करें तो एक चम्मच शक्कर में हमें 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है और उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है शक्कर का वो 60 से लेके 65 के आसपास रहता है, यानी ये भी मीडियम रेंज में आ गया। अगर एक चम्मच हम लोग शक्कर की लेते हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कुछ बनता है 8 के आसपास, यानी ये शहद से भी कम है। इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो शहद से भी कम है, लेकिन चीज़ ये नहीं है, दोनों से ही हमारी शुगर बढ़ती है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और मैंने सुना भी है कि अगर आप ओरिजिनल शहद खाते हैं, ठीक है, तो आपकी जो शुगर है वो नहीं बढ़ती है, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो प्योर आता है। आप कोई भी कंपनी का शहद ले लीजिए, हनी ले लीजिए, उसमें प्रोसेस किया हुआ ही आता है। जैसे शक्कर प्रोसेस होके बनती है, वैसे ही शहद भी प्रोसेस फॉर्म में होके ही हमें मिलता है। या वो कोई भी कंपनी का ले लो, डाबर का ले लो, झंडू का ले लो, या पतंजलि का ले लो, कोई भी ले लो, मिलता है। दो तीन कंपनी जरूर बनाती है, लेकिन वो इतना हाई रेंज होता है, इतना हाई प्राइस होता है कि वो हमारे बजट में नहीं बैठता है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बस इतने ही मेरे को आपको बताना था। चलिए देखिए, मैंने अभी ये डाबर का मैंने शहद लिया है, ये डाबर का शहद लिया, मैं छोटी बोतल लेके आया हूँ क्योंकि हम लोग कोई यूज़ नहीं करते हैं शहद को, तो मैं छोटी वाली लेके आया हूँ। और एक ये मैंने मीडियम चम्मच लिए, मीडियम स्पून, इसमें मैं फुल करके मैं लेने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी 4 बजने वाली है, तो पहले मैं अपनी शुगर चेक कर लूँगा। ये शुगर जो रहेगी मेरी वो रहेगी मेरी रैंडम ब्लड शुगर, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि शहद पे आप ज़रूर बनाएं, काफ़ी टाइम से कर रहे थे लेकिन मैं नहीं बना पाया था, तो आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए और मेरे लिए भी, क्या रियल में शहद हमारे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ब्लड आ चुका है, चलिए अभी शुगर चेक कर लेते हैं हमारी। ये आ गई हमारी रैंडम ब्लड शुगर, 316 है दोस्तों मेरी, भी देख रहा 316 है, ठीक है। तो मैं भी एक चम्मच ले लेता हूँ और मैं 2 घंटे बाद आपको मिलूँगा। और कितनी ले रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं सुबह और दोपहर को मैं कोई टेबलेट नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ रात को लेता हूँ, वो भी जेमर 1 mg जो काफ़ी लाइट है। मैं इससे ज़्यादा दवाई नहीं लेता हूँ। जो प्री डायबिटिक होते हैं वो दिन में एक दवाई से भी उनका काम हो जाता है, और जो डायबिटिक होते हैं किसी को 3 मिलती है दिन में, या किसी को 2 भी मिलती है, ठीक है। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ लेकिन मैं एक टाइम ही लेता हूँ, डॉक्टर ने मुझे 3 बार कहा हुआ है, लेकिन मैं एक टाइम ही लेता हूँ, वो भी रात को लेता हूँ। तो आपके सामने मैं बता देता हूँ, देखिए ये पूरी एक चम्मच मैं इसमें डाल देता हूँ। देखिए एकदम फुल हो गया है, देख सकते हैं एकदम फुल हो गया। अब मैं इसको ले लेता हूँ, पूरी चम्मच भर गई है। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये शहद यूज़ किया। तो मैंने अभी एक चम्मच ले ली है, टाइम आप देख सकते हो 3:55 हुआ है, तो मैं आपको मिलूंगा 5:55 को, यानी 2 घंटे बाद। अभी जो मेरी शुगर आई थी वो थी 316, जो थी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे अभी 2 घंटा हो चुका है एक चम्मच
शहद लिए हुए। चलिए अब चेक करेंगे कि हमारी शुगर क्या रहने वाली है। देखिए शहद पीने से पहले मेरी जो शुगर आई थी वो थी 316, 316 थी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। अगर अभी मेरी जो शुगर अगर कम आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो शुगर मेरी कम हुई है वो मेरे शहद से हुई है, वो शहद पीने से नहीं हुई है। ये एक बॉडी प्रोसेस होता है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद क्या है कि हमारी शुगर धीरे धीरे कम होने लगती है। किसी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनकी 200-300 तक शुगर जाती है तो 2 घंटे के बाद भी धीरे धीरे 50-50 पॉइंट डाउन होता रहता है। हाँ, अगर बढ़ी है शुगर तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि शहद से हमारी शुगर बढ़ रही है। चलिए चेक करेंगे, आगे की बात बाद में करेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं कि अभी हमारी शुगर क्या आने वाली है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये देख लीजिए अब आई है मेरी 2 घंटे बाद की शुगर 216, 316 से 216। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो शुगर है ये मेरी शहद से कम हुई है, उससे नहीं हुई है। अब मैं आपको देखो पूरी स्टोरी बताता हूँ। मैंने 1:30 बजे खाना खाया था और मैंने 4 बजे आपको रैंडम ब्लड शुगर मैंने आपको बताई जो थी मेरी 316। फिर क्या होता है धीरे धीरे हमारी शुगर डाउन होने लगती है। देख लीजिए 5 बजे 6 बजे 2 घंटा हो गया, गया तो मेरा 50-50 यानी 100 पॉइंट मेरा कम हो गया। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि शहद जो है वो हमारी बॉडी में कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, ना कोई कम करता है ना ज़्यादा करता है। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि अगर बढ़ी होती तो मान लेते कि वहाँ हमारी इम्पैक्ट डालता है, हमारी बॉडी में इम्पैक्ट करता है शहद, हमें शहद नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी इसमें ऐसा पता नहीं चल रहा है कि हमारी शुगर कम हुई है, बढ़ी तो नहीं है। देख लीजिए बढ़ी तो नहीं है लेकिन कम ज़रूर हुई है, लेकिन कितनी है मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा 2 घंटे मेरा 100 पॉइंट जो कम हुआ है वो नॉर्मल प्रोसेस में हुआ है, क्योंकि 2 घंटे के बाद हमारी शुगर धीरे धीरे हमारी कम होती है। तो ये थी, फिर भी एक बार आप भी ट्राई करिएगा एक बार, या फिर मैं ऐसा कुछ करूँगा कि नींबू पानी के साथ में 1 चम्मच शहद के साथ में भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि हमारी रियल में शुगर कम होती है या बढ़ती है। और नेक्स्ट जो वीडियो जो मेरी बनेगी वो बनेगी कुकुम्बर पे यानी खीरे पे, और मैं इस पर वीडियो रिव्यू करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।